हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ पापड़ी चाट बनाने, जिसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। एक कटोरी के लगभग मैंने मैदा लिया है, जितनी मैंने मैदा लिया है उतना ही मैंने ये चावल का आटा लिया है। देख सकते हैं मैंने सबसे पहले बड़े बर्तन ले लिया, उसमें आप सबसे पहले चावल के आटे डालें, उसके बाद में उतना ही आप मैदा ऐड कर लें और इसे घी डाल करके आप अच्छे से, आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच के लगभग लिए हैं, आधे 1 चम्मच के लगभग मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं बाद में डालूँगी। 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें खाने वाली नमक डाला है, आप देख सकते हैं। इन सबको मिलाएंगे, जीरा पाउडर आप ऐड कर लें और इसी तरह से एक्चुअली इसमें जीरा होता ही है, चाट मसाले में काली मिर्च भी होती है, इसलिए मैं और इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से अब आप चम्मच की सहायता से 2 से 3 चम्मच के लगभग आप ये ऐड कर लें इसमें और अच्छे से इसको मिक्स करें और मलें। उसके बाद में आप पानी से 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं। इस तरह से आप भी करें, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस रेशियो में होना चाहिए, पुट्ठी में बंद जाए इस तरह का होना चाहिए। अब इसमें आप 1 बैग पूरी पानी ना डालें, मैंने 1/2 गिलास से कम पानी लिए हैं, इसे नॉर्मल पानी है। इस तरह से आप हल्के हल्के डाल करके इसे मिलाते रहें, मिला करके इसको अच्छे से टाइट ही आटा गूंथें, क्योंकि चावल का आटा भी पानी सूखता है। इस तरह से आप ही आटा इसका गूंथ लें और 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ दें। इस तरह से मैंने रेस्ट के लिए डाले हुए थे, आप देख सकते हैं। अब इसे आप थोड़ा सा एक बार और इसे अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। अब इसकी गोलियां बना लें बड़ी बड़ी सी। पहले तो आप हाथ में हल्का सा घी या रिफाइन लगा सकते हैं। इस तरह से अब मैं इसे चकले पे बेलूंगी। इस तरह से आप ही आप चाहे तो इसे छोटी छोटी पूरियां भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप बेल लें। ग्लास की सहायता से आप इसे राउंड राउंड इस तरह से काट लें। इस तरह से एक ही बार में आपको 4-5 मिल जाएंगे और पूरे बराबर शेप में रहेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से सारी पूरियां बेल लें आप। ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही अधिक पतली होनी चाहिए, क्योंकि इसे मुझे खस्ता पापड़ी बनाना है इसका। इस तरह से फिर से जो आपने दूसरी गोलियाँ बनाई हैं उसे भी इसी तरह से कर लें। उधर मैंने घी गर्म कर लिए हैं, आप देख सकते हैं मैंने सारी पूरियाँ बेल ली हुई है। इस तरह से आप भी बेल करके गिलास की सहायता से कट कर लें इस तरह से, क्योंकि मुझे पापड़ी बनानी है इसलिए इसे हल्का हल्का फॉर्क की सहायता से इस तरह से आप छेद कर दिया करें, जिससे यह फूले नहीं और बहुत ही खस्ता और टेस्टी ये बनता है। इस तरह से आप भी बनाएं। आप इधर देख सकते हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स भी रखे हैं, प्याज भी। मैं पूरियों को आप फॉर्क की सहायता से इस तरह कर लिया करें, देख सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने सारे को फॉर्क से छेद कर डाले हैं। अब आप तो इसे तेल मैंने गर्म कर दिए थे, जो आप लोगों को मैंने दिखाया था ये परफेक्ट तेल है गर्म, इसी टेम्परेचर में रहना चाहिए। अब फ्लेम को आप धीमा कर ले, इस तरह से एक एक करके इसमें डालें और इसे हल्का चलाते जाएं। इस तरह से जितना आ पाए उतना ही डालें। मैं एक बार में 3 या 4 डाल रही हूँ। इस तरह से इसे देख सकते हैं, अगर आप फ्लेम इस समय आप फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो ये अंदर से अच्छे से पकेंगे नहीं और क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुझे बनाना है यहाँ पापड़ी चाट, इसलिए थोड़ा खस्ता का भी ध्यान रखना है।
ये पूरी तरह से अच्छे से खस्ता हो। इस तरह से आप भी सारे पूरियों को इसी तरह से आप जैसे देख रहे हैं इस तरह से इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं। इस तरह से ठीक करें आप देख सकते हैं एक बार मैंने कर लिए हैं जो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अब आप लोग को सर्व करते हुए दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप उठा कर तो मैं दिखा रही हूँ इसे कितना एक क्रिस्पी होता है। इस तरह से आप अभी गर्म है ठीक एक हल्का सा ऐसे कर रही हूँ तो पूरे से टूट रहे हैं इतने खस्ते ये होते हैं। तो चलिए मैं अब इसे आप लोग को करके अच्छे से दिखा रही हूँ। इस तरह से आप भी तोड़ तोड़ करके इसे इस तरफ से डाल लें थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके ज़्यादा अधिक छोटे टुकड़े न करें जैसा पापड़ी में रहता है चाट पापड़ी में उस तरह से आप इसके ऊपर से अब डाल लें कसर। इसके ऊपर से आप दही ऐड करें इस तरह से थोड़े थोड़े से क्योंकि ये पापड़ी चाट है तो इसमें तो चाट में आप देखते ही होटल वाली स्पेशल मैं बना रही हूँ। आप चाट मसाला ऐसे ऐड कर लें ऊपर से आप डाल सकते हैं बूंदी। आप चाहे तो सेवैयाँ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। फिर से आप इसके ऊपर ये डालिए पापड़ी बहुत ही टेस्टी और यम्मी ये बनता है। आप लोग भी प्लीज इसे देखिए किस तरह से क्रिस्पी कितना है कि ये इतना अच्छा से टूट रहा है कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार इस तरह का चाट खाने का आपकी इच्छा होगी। इस तरह से दही इसमें ऐड कर लें इसके ऊपर से कुछ चटनियाँ मैं डालूँगी ओनियन को इस तरह से ऐड करते जाएं। आप चाहे तो खटाई भी डाल सकते हैं आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मिर्ची की ग्रीन चटनी मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है आप अधिक भी डाल सकते हैं आपके स्वाद के ऊपर है टेस्ट के ऊपर है। आप इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर सकते हैं ग्रीन चटनी ऐड कर सकते हैं धनिया की चटनी भी आप इसे इसमें डाल करके आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। देखा आप लोगों ने ये बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी देखने में जितनी ये देखने में लजीज और अच्छी लग रही उतनी खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। आप लोग प्लीज़ इसे एक बार बनाएँ और खा करके देखें। इस तरह से देखिए कितना ये टेस्टी और यम्मी है कि मुँह में खाते ही पानी आ जाए। देखते ही अगर पानी ना आ जाए तो मुझे आप लोग कहिएगा। प्लीज़ आप लोग भी बनाइए इसे और घर पे इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। कैसा बना उसे शेयर कीजिए और आप लोग भी इसे अच्छे से बनाएं खाएं खिलाएं। बहुत कम टाइम में ये तैयार भी हो जाता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू धन्यवाद।